हेलो फ्रेंड्स, जारा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 39-40 यानी कि 39-40 साइज़ के हिसाब से ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं नाप बता देता हूँ। ये नाप मेरा बनाया हुआ नाप है और मैं आपको राउंड फिगर में ही बताऊँगा। जैसे कि मान लो 39-40 है, ये हमारे वो नाप होते हैं, आपको इसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये हमारे वो नाप होते हैं जो हम बॉडी नाप लेने के उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो आई लिंक पर क्लिक करके आप वो सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये जब जो भी नाप लेने का, जो आपका प्लस करने का तैयार नाप आता है, जैसे 39 आ गया, 40 आ गया, तो ये दोनों में आपकी ये वीडियो काम करेगी। और जैसे कि इसमें 8 इंच का फर्क होता है, जैसे कि 39.5-40, ठीक है, इस चीज़ में भी आपकी ये वीडियो काम करेगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसका नाप बता देते हैं। ये नाप मेरा बनाया हुआ नाप है। तो सबसे पहले लंबाई 14.5 इंच है, ठीक है। किसी को 15% है, 15 भी रख सकते हैं। प्लेट लेंथ दोस्तों 10 इंच मैंने रखी है अपने अंदाजे से। किसी की इसमें 10.5 भी हो सकती है, किसी की 11 इंच भी हो सकती है। बस्ट साइज 39-40 तैयार नाप है। स्लीव यानी कि बाजू 5 इंच की लंबाई लेंगे हम, 13 इंच की इसकी गोलाई लेंगे। तीरा दोस्तों इसमें 14.5 इंच का होता है ज़्यादातर, ठीक है। बाकी आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो जो भी नाप आएगा उसके हिसाब से आपको यहाँ बता दिया जाएगा। नेक, बैक नेक 0 से लेके 10 इंच तक आपको कितना मतलब तीरा रखना है, ये सारा इसमें बताया जाएगा। बैक गली डीप के हिसाब से हम तीरा रखते हैं। फ्रंट नेक दोस्तों 7 रहेगा हमेशा हर साइज़ में। ये आप 6 भी पहनोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तीरे का जो भी फार्मूला बताते हैं वो बैक नेक के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। ये आपका बाइसेप्स आर्मोल है जो हमारा ये वाला साइज़ होता है। जब आप मेजरमेंट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा साइज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका 13 इंच है। तो आपको किस तरीके से कटिंग करनी है, तो सबसे पहले देखिए हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को हमने इस तरीके से प्रेस कर लिया है डबल में और इसे किनारे वाले हिस्से को अपनी तरह बिछा लिया है। बिछाने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम होता है हमारा, सीधे फुट्टे की मदद से हम ऐसे निशान लगा लें, ठीक है। और निशान लगाने के बाद आप इसे नीचे जितना तुरपाई का फोल्ड करना चाहते हो उतना निशान लगा लें। और दोस्तों, जो ये कटिंग मैं दिखा रहा हूँ, अस्तर वाले में बिल्कुल सेम कटिंग होती है। ये नहीं कि अस्तर वाले में कुछ अलग कटिंग होती है। तो जो आपका प्लेन कपड़े पे बताया जा रहा है, सेम आप अस्तर पे भी वही कटिंग करोगे अस्तर को, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो में आपको अस्तर वाली ब्लाउज की भी कटिंग और स्टिचिंग पता चलेगी। अब देखिए, उसके बाद आपको ऐसे रखना है फुट्टा और यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये दोस्तों हमारा जाता है हुक हाई की पट्टी के दबाव में। अब इंची टेप रख के मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, पर्ची पे 14.5 है तो हमारे यहाँ 14.5 लेंथ हो गई। अब इसमें 8 इंच हम प्लस कर लेंगे यानी कि 15 इंच। आपको यहाँ पे दोस्तों निशान लगा लेना है, क्योंकि कंधी में हमारा 1/2 इंच का दबाव हो जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। 39-40 साइज़ में दोस्तों हमें यहाँ पर जो लेना है आर्मोल की जो लेंथ लेनी है वो लेनी है 6.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से 6.5 लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने 10 इंच की आपको प्लेट लेंथ बताई है। ये प्लेट लेंथ होती है डॉट लेंथ जिसे हम कहते हैं। 10 पे है तो हम यहाँ पे 10.5 पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके आपको निशान लगाना है। और इन निशानों को तीनों को हम सीधे फुट्टे की मदद से सीधा करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो मैं आपको कटिंग सिखाने वाला हूँ ना, वो बैक गला 5 इंच के हिसाब से सिखाऊंगा, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ये 5 इंच के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें ये कटिंग 5 इंच के हिसाब से कटिंग हो रही है, तो इस चीज़ का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्लेट लेंथ है जहाँ पर, सबसे पहले उस जगह पर आपको इस निशान से 3.5 इंच पर आपको ऐसे एक निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 पे निशान लगाना है, ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से 3.5, ठीक है। फिर उसके बाद 1/2 यहाँ पर, फिर इंची टेप को आगे बढ़ा के यहाँ पे 2 इंच में, और फिर इसको ऐसे ऐसे निशान बना देंगे क्रॉस का। अब इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे निशान लगाना है, जिससे कि तीनों की इक्वल गैपिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी आपको 3.5 पे निशान लगा लेना है, ये निशान लग चुका। अब आपको आर्म और लेंथ पे, ठीक है, यहाँ पे अपने बस्ट साइज रखना है। तो मैं 40 के हिसाब से आपको कटिंग बता रहा हूँ, राउंड फिगर रहेगा, सही रहेगा। तो हम यहाँ पर 10 इंच रख लेंगे इस तरीके से। ये सिर्फ कटिंग करने के लिए अंदाज़ा लिया जाता है, बाकी स्टिचिंग करते वक्त आपको पता चलता है कि किस तरीके से नाप लिया जाता है। इसकी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इस निशान को ऐसे करके सीधा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर आपको जितना मार्जिन देना है उतना इस हिसाब से सीधा निशान लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर जो रखते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं फ्रंट, ठीक है। 6.5 इंच पे अब जो निशान मैं लगाऊंगा, इसे हम कहते हैं दोस्तों फ्रंट। पे ध्यान दें, इसमें हमारा जो फ्रंट रहेगा निशान से वो रहेगा 1/4 इंच, जिसे हम कहते हैं 11.5 अंग्रेजी में 11.5, ठीक है। उसके बाद अब हम बैक, आपका बैक गला 5 के हिसाब से आपको ब्लाउज की कटिंग बता रहे हैं, तो आगे का गला 7 है, बैक गला 5 इंच है। तो इसमें आप किस तरीके से फार्मूला निकालोगे, तो यहाँ पर तीरा है आपका 14.5, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से, 14.5 माइनस करेंगे 2, बचेगा आपका 12.5। 12.5 को आप भाग करेंगे 2 जगह, तो आपका जो निकल के आता है वो आता है नाप 6.25 इंच। तो आपको
इस तरीके से 1.25 इंच का ऐसे निशान से यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है, जैसे मैंने लगाया ना 1.25, ऐसे निशान लगाना है। बैक गला 5 इंच होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे बैक गला 5 में हमने 1.25 निशान लगा लिया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम ब्रॉडनेस जो लेंगे, इसमें हम 1.25 इंच के लेंगे, तो 3 इंच में एक सूत कम पे आपको यहाँ पे ब्रॉडनेस ले लेनी है अपनी। और यहाँ पर आप एक पैर इस तरीके से निशान लगा लें, यहाँ से हमें अपने ब्रॉड वाली जगह से इसे डाउन करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ी आदत है तेज़ बोलने की, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी कटिंग है। ठीक है, जब आप इसे इस तरीके से निशान लगाएंगे, अब इस निशान से इस निशान तक फुट्टे को रखना है, यहाँ पर निशान लगाना है, और अब यहाँ पर निशान लगाने का रीजर आपको ऐसे करके दोस्तों फ्रंट की गोलाई देनी, इसे हम कहते हैं फ्रंट। ठीक है, ऐसे गोलाई दे दी। अब इस गोलाई के बीच में ये वाला जो निशान है, इसको ऐसे रखना है, फुट्टे को ऐसे लेके जाना है, इसको हम इतनी नीचे कर लेंगे, निशान से अंदाजा है, कोई नाप नहीं है, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेंगे, ज़्यादा तिरछा ना करें, थोड़ा तिरछा करके निशान लगा लें, और इस वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला के सीधा निशान लगा लें। तो ये दोस्तों आपके सारे प्लेटों के निशान लग चुके हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, इसका भी ध्यान रखिए कटिंग करने से पहले। बेल्ट ब्लाउज का आपको कटिंग में सिखा चुका हूँ, अगर आपकी बेल्ट ब्लाउज की जैसे इसमें भी बेल्ट ब्लाउज आप बनाना चाहते हो, तो इसके अंदर आपकी जो लेंथ है आपको मालूम है हमने 1/2 इंच बढ़ाई है, तो बेल्ट में टोटल में 1.5 इंच बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो हमने 15 कर रखी है वो हम कर लेंगे 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेल्ट कट होता है तो उसमें 1 इंच का मार्जिन जाता है, और जो बेल्ट की चौड़ाई हमें रखनी इस साइज़ के अंदर दोस्तों, वो हम रखेंगे इसके अंदर 3 इंच की। ठीक है, 3 इंच की हम की बेल्ट की हम चौड़ाई रखेंगे। तो बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना चाहते हो तो पीछे वीडियो दे रखी है, आप सर्च करके ठीक है देख सकते हो, उसमें 3 इंच की बेल्ट की चौड़ाई रख लेना, 1 इंच लेंथ बढ़ा लेना, ये आपको बताया मैंने। अब दोस्तों इस पर हम कैंची लगाते हैं, तो कैंची लेने के बाद सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे, फिर हम थोड़ा डाउन करेंगे एक पैन, फिर हम दोस्तों इसे कटिंग करेंगे ऐसे, और बिल्कुल इसे इक्वल कटिंग करते हुए एक बराबर यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ पर कटिंग करते हुए दोस्तों नीचे लेके आएंगे, ये पूरा कट हो चुका। अब दोस्तों यहाँ पे जो मार्जिन था जितना भी फालतू, इसे हम कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाया था। अब दोस्तों जहाँ जहाँ हमें कट लगाने, तो पहला कट आपका यहाँ पर आएगा, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ठीक है, ये 6 आपके कट यहाँ पे लग जाते हैं, फिर आपको मतलब कैंची लेके इस तरीके से दोस्तों ऐसे ऐसे प्रेस करना होता है, इससे दूसरी तरफ निशान उठ के आ जाता है, जिससे कि आपको आसानी रहती है। तो इसमें शायद आपको नज़र ना आता हो, लेकिन मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा देता हूँ आपको, यहाँ मेरे को नज़र आ रहे हैं, कैमरे में हो सकता है कभी कभी समझ ना आए। और अब इस निशानों को अपने कट से इसे मिला के ऐसे निशान उठा लो। तो दोस्तों ये सारे निशान लग गए, इससे हमें प्लेट डालने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो ये ब्लाउज में कट वगैरह लगा के पूरा ओके कर लिया। अब देखिए इसे क्या करना है, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ इसको और आपके सामने बताता हूँ। ये वाला जो हिस्सा था इसे हम ऐसे कर लेंगे, ये हिस्सा जो है इसको हम ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, ऐसे घुमा के इसको रखेंगे इस जगह पर, हल्की हल्की प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर हम। ठीक है, जिससे कि सेंटर क्रीज बनी रहे और अच्छी फिनिशिंग से आप इसे कटिंग कर पाएँ। फिर दोस्तों आपको अपना फ्रंट वाला पल्ला लेना है और इसको इस तरीके से रखना है, और रखने के बाद दोस्तों ये जो निशान आपने लगाया था, ये निशान से आपका नीचे वाला कपड़ा बाहर निकाल लेना है। ठीक है, नीचे वाले कपड़े से मिला के रखना है, निशान को नीचे तक इक्वल रखना है। ठीक है, इक्वल आपने रख लिया। अब रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं निशान यहाँ पे लगा देता हूँ, शायद नज़र ना आता, डार्क कपड़ा है ये, हमारा फ्रंट कटा हुआ है इतना हिस्सा। ठीक है, इतना हिस्सा फ्रंट कटा हुआ है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो बैक कटिंग करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा दिया, मैं यहाँ पे कटिंग करता हूँ, ऊपर का हिस्सा होगा बिल्कुल बराबर, यहाँ पर हम इसे कट करके फालतू कपड़े को हटा लेते हैं, और यहाँ पे हम कट भी लगा लेते हैं गले के ब्रॉड का। अब दोस्तों ये जो निशान आप देख रहे हो, तो हम यहाँ पे इसे कटिंग करते हैं, और तकरीबन यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान से इसको इस तरीके से बराबर से मिला देते हैं। ठीक है, इसे भी कट करके हटा लेते हैं, तो आप देख सकते हो निशान से कुछ इस तरीके से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है इस साइज़ में, और फिर आप इसे बराबर से ऐसे कटिंग करोगे, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको बिल्कुल बराबर ऐसे कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये कपड़ा आपका इतना हिस्सा बचा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ हमने कट लगा लिया, ठीक है, एक कट आप चाहे तो यहाँ पर भी लगा लें। ठीक है, और फिर इसको इस तरीके से निशान दोस्तों उठाना है आपको, इससे क्या होगा नीचे की तरफ निशान आपका उठ जाता है। मैं यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों देखिए क्या होगा,
कभी भी आपको ये तिरछी प्लेट अगर डालनी है फ्रंट में, तो इसमें क्या होता है जब हमारी प्लेट डलती है तो इतना इतना दबाव दोनों तरफ जाता है, तो टोटल में ये दबाव कितना हो गया, ये हो गया आपका आधा इंच। तो हमें क्या करना होगा, तुरपाई वाला फोल्ड तो हमारा नीचे है लेकिन हम इसमें प्लेट डालेंगे तो ये वाली जो साइड है वो बराबर नहीं बैठेगी, तो हम इसे ऐसे करके जितना गैपिंग हमारी यहाँ पर जाती है आपको इतना इतना इसे कटिंग कर लेना है। इससे क्या होगा, प्लेट डालने का बिल्कुल ये वाला जो साइज बड़ा हो गया ये हमारा छोटा हो जाएगा और इसे इक्वल हम इसे जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था इस निशान को आप फुट्टे की मदद से सीधा कर लें, इधर आप चाहे तो कट भी लगा सकते हैं और बैक साइड में भी सेम इसी तरीके से दोस्तों हम निशान लगा लें, ठीक है। ये हमारा बैक कटिंग हो गया। अब मैं आपको बैक गला 5 के हिसाब से कटिंग दिखा रहा हूँ। अब ये बताऊँगा कि अगर आपका गला जैसे ऐसे डीप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको पहले बाजू कटिंग करना बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों बाजू कटिंग एक बार में ही आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। और जितनी भी आपको मैं कटिंगें दिखा रहा हूँ ये तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है और एक ही तरीका हमेशा यूज़ करते रहो, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब ये जो कपड़ा है आपका डबल में है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले हिस्से को देखिए, यहाँ से हमारा ब्लाउज कटिंग हुआ था ना, आपको ऐसे लेना है। यहाँ पे इससे कटिंग नहीं करना, पूरा कटिंग कटोगे तो ये कपड़ा हमें ब्लाउज में कम मिलता है, तो यहाँ का कपड़ा हम यूज़ में लेंगे किसी चीज़ में। तो हम इसे ऐसे लेके आगे की तरफ लेके आएंगे और हल्की प्रेस इसमें चाहे तो आप रख सकते हो, जिससे कि सेंटर क्रीज बन जाए बाजू की और अच्छी फिनिशिंग में कटिंग हो पाए। अब दोस्तों इसको मैं ऐसे करता हूँ, आप बाजू का नाप देखिए, बाजू की लेंथ है 5 इंच की लंबाई, 13 इंच की गोलाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फुट्टा रखने के बाद इसे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और जितना तुरपाई के लिए फोल्ड चाहिए उतना निशान लगा लेते हैं। अब 13 इंच की मोरी है तो हम नीचे वाले निशान पे 13 का आधा 6.5 ऐसे निशान लगाएंगे। 5 इंच की लंबाई है तो 5.5 इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे। दूसरा निशान जिसे हम बाजू आर्मोर लाइन कहते हैं वो इसमें रखेंगे हम 3.5 इंच और इसको भी सीधा निशान कर लेंगे। अब ये 3.5 इंच के पास आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये बाइसेप से आपका 13 जो हमने बोला था ये वाला हिस्सा होता है, आपको मेजरमेंट वाली वीडियो में पता चलेगा। 13 में आपको प्लस करने 2 इंच, तो 13 में 2 प्लस करने का ये नाप आएगा 15, 15 को भाग करने 2 जगह नाप आएगा आपका 7.5, ठीक है। तो आपको 7.5 इस तरीके से 3.5 पे ऐसे निशान लगाना है और इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लेना है। ये बाजू कटिंग करने का तरीका है, ब्लाउज के अंदर आपको 2 इंच प्लस करने, ये बाइसेप्स वाला नाप, ये वाला बाइसेप्स वाला नाप बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए, ठीक है। तो ये बाजू कटिंग करने का ये सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। अब इसे हम करेंगे कटिंग, सबसे पहले ऊपर मार्जिन को हटा दिया। यहाँ से दोस्तों आप हल्का हल्का निशान भी लगा सकते हो, और अगर आप बिगनर हो आराम से निशान लगा लो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। फिर इसे हम करेंगे कटिंग, कटिंग करने के बाद ये वाले निशान को आप इस तरीके से लेके यहाँ पर इसे सीधा कर लो, ठीक है। ये आपका इतना कपड़ा बच जाता है जो कि गले वगैरह में काम आएगा। और ये जो है आप यहाँ पे एक कट लगाएं, एक तुरपाई का कट लगाएं, एक यहाँ पे सेंटर का कट लगाएं। उसके बाद ब्लाउज के बाजू को ऐसे ओपन करें, ओपन करने के बाद दोस्तों आप इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे फ्रंट को, 1-1 इंच के आसपास आपको इस तरीके से छाटना है। आप देख सकते हो कितना छाटा मैंने, आप देख सकते हो इतना इतना आपको छाट लेना है। ये छाटने से आपका फ्रंट कटिंग हो जाता है और बाजू कटिंग हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ब्लाउज की बाजू को कटिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बैक और फ्रंट को काटा था उसे अच्छी तरह बिछाएंगे और आपको बताएंगे जैसे जैसे गला डीप होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक को अच्छी तरीके से इक्वल बिछा दिया जैसे हमने कटिंग करा था, ठीक है। बिल्कुल इक्वल बिछाने के बाद अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें और तसल्ली बख्श से समझें। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो कटिंग मैंने आपको दिखाई है वो बैक गला 5 के हिसाब से दिखाई है। तो 5 इंच के गले में हमने कितना तीरा रखा, ठीक है। फ्रंट का तो आपको इतना ही रखना होगा, फ्रंट जो हमने 6.25 रखा है आपको 6.25 से नहीं हिलाना, ठीक है। 6.25 से आपको यहाँ पर 6 भी नहीं करना, ठीक है, ना आपको 5.5 करना है, 6.25 तो 6.25 आपको रखना है। और यहाँ पे जो आर्मोर लेंथ है, ठीक है, इस डीप गले में जितने भी हैं इसमें 6.5 हैं, तो आप यहाँ पर चाहे तो आर्मोर लेंथ को 6.25 कर सकते हो, बाकी आर्मोर लेंथ को भी ना छेड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बैक गला 9 और 10 इंच है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे जो भी ब्लाउज कटिंग करेंगे वो 6.25 इंच का मुड्ढा रखेंगे इस तरीके से, यानी कि जो ऊपर से निशान लगाएंगे पहले 6.25 इंच पे लगाएंगे अगर आपका बैक गला 9 से ऊपर जितना भी आता हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। अब इसमें समझिए, जैसे हमने तीरा नापा किसी कस्टमर का 14.5 इंच, तो हमने उसमें माइनस करा 2 इंच, जो कि आपका 2 इंच माइनस करने के बाद जो बराबर आता है वो आता 12.5। 12.5 को हमने भाग करा 2 जगह तो उसका नाप आया आपका 6.25, तो हमने ये 6.25 इंच इस तरीके से यहाँ लिख दिया। और आपको दिखाते हैं ये हमने 6.25
6 इंच के बाद जो एक पैर दो डंडी आती हैं इसको हम कहते हैं एक यानी कि सवा, तो ये सवा छः कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको इंट्यूटिव समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमने सवा 6 इंच या 5 इंच के गले के हिसाब से कर दिया, लेकिन अगर आपका बैक गला 6 हो गया तो आप क्या करोगे, क्योंकि हमारा फ्रंट गला 7 ही रहेगा चाहे 6 रहे। ठीक है, या कोई 7.5 भी पहनता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा बैक गले के हिसाब से ही तीरा कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर आपका बैक गला 6 पहनता है कोई कस्टमर, तो हमें यहाँ पे 6.25 है तो हम यहाँ 6 करेंगे, यानी कि जो 6.25 है इसमें से हम एक पैर कम करके 6 पे निशान ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यहाँ से डाउन भी उतना ही होगा, ठीक है, लेंथ भी उतनी रहेगी, फ्रंट भी उतना रहेगा, बस आपको यहाँ से नीचे वाले निशान तक आपको ऐसे मिलाना है सीधे फुट्टे की मदद से। और मिलाने के बाद दोस्तों इसे हल्का सा ऐसे उठाना होगा, पहले फ्रंट कटिंग करके दिखा रहा हूँ मैं, इसे आराम आराम से इस तरीके से कटिंग करें। और यहाँ पर देखिए मैं कटिंग कर चुका हूँ, तो थोड़ा आराम से मिलाना पड़ेगा, आप पहले ही निशान लगा लोगे तो बहुत अच्छी तरह कटिंग कर पाओगे। तो हमने फ्रंट कटिंग कर लिया, इस तरीके से आपको बैक वाले पल्ले को भी इस तरीके से दोस्तों कटिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसे मिला दें ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपका बैक गला 6 में आपका 6 इंच का तीरा होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपका बैक गला 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 7 है तो यहाँ पर आपको 0.5, 8 इंच है तो यहाँ पे आपको 5.5, 9 है तो आपको यहाँ पे 5.25, 10 है तो यहाँ पर भी आपको 5.25, ज़्यादा कम ना करें, 5.25 में आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जैसे जैसे गला डीप होता रहेगा आपको सिंपल दोस्तों यहाँ से इसी तरीके से कम करना पड़ेगा। जो इससे पहले मैं आपको ब्लाउजों में कटिंग दिखा रहा हूँ सिर्फ वही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको कम करना है। लेकिन आपको मैं बैक गला 9 इंच का या 10 इंच का बता देता हूँ कैसे कटिंग करना पड़ेगा। तो बैक गला जैसे मान लो आपका 10 इंच है, तो आपको पहले ऐसे ही एक फार्मूला बना लेना है हर साइज़ के अकॉर्डिंग। अब आपने देखा कि बैक गला 10 इंच है, तो 10 इंच में आपको पहले से पहले यहाँ पर 6.25 पे निशान लगा लेना है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से 5.25 पे निशान लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क पड़ गया। अब आप इसको फ्रंट वाला जो निशान है इसको ऐसे मिला लें, ये हमने मिला लिया। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से इसे मिला दें, मिलाने के बाद अब इसे हम करेंगे कटिंग। ये देखिए हमने कटिंग कर दिया, इसी तरीके से आपका जो ये हिस्सा है बैक वाला इसे भी इस तरीके से कटिंग कर लें, और यहाँ पर ऐसे करके कटिंग करते हुए मिला दें। तो दोस्तों ये हिस्सा काफ़ी आपका ज़्यादा बढ़ जाता है बैक गले डीप में, ये जो आर्मोल वाला हिस्सा होता है काफ़ी बढ़ जाता है, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि डीप गले में जो 6.5 इंच लेंथ है तो आप इसे 6.25 कर लें, जिससे कि जो ये डीप बढ़ेगा तो वो आपका परफेक्ट आ जाएगा फिटिंग में। तो यहाँ पर आपके 5 से लेकर 10 इंच तक के मैंने फार्मूले यहाँ पर गल तीरे के लिख दिए, आप इसे अच्छी तरह देख लें और इसे नोट कर लें और इसे अजमा के ज़रूर देखें, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप बैक गला पार्ट कटिंग करने के बाद कम करते हुए आप 10 इंच 11 इंच तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे बैक गला 0 से 4.5 इंच तक डीप है, बोट नेक है, ठीक है, बोट नेक के बाद आता है कॉलर नेक, तो दोस्तों इसके अंदर आपको कैसे कटिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो आर्मोल लेंथ होती है वो भी अलग होती है, उसका तीरा भी हमारा अलग होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक फ्रेश कपड़ा लेंगे, फ्रेश कपड़ा लेने के बाद मैं पूरा निशान लगा लूँगा, ये वाला जितने भी है ना ये सारे निशान मैं यहाँ पर लगा लूँगा, सिर्फ आपको ये वाला निशान लगा के दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ऊपर से। तो यहाँ पर मैं सारा निशान लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, जैसे ब्लाउज हम बिछाते हैं शुरू में जो निशान लगाते हैं, सारे निशान लगाने के बाद आपको बताता हूँ, बहुत आराम से आप इसे सीख पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा लिया, सेम उसी तरीके से निशान यहाँ पे हमने लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, बैक नेक अगर हमारा 0 से 4.5 इंच तक डीप है, बोट नेक है या कॉलर नेक है, तो इन तीनों की कटिंग बिल्कुल सेम होगी जो मैं अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें हमने तीरा 14.5 इंच का नापा है, तो आपको इसमें प्लस करना है 0.5 इंच, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 का हाफ जो होगा वो होगा दोस्तों 7.5, इस तरीके से हो जाएगा आपका, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको 7.5 जो है वो आपका तीरा है, लेकिन इससे पहले आर्मोल लेंथ आपको लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने 6.5 इंच पे आपकी आर्मोल लेंथ ली थी, लेकिन आपको इस साइज़ के अंदर 7.75 इंच पर निशान लगाना है, ठीक, कितने पे, 7.75 इंच पे, यानी कि 0.5 इंच बढ़ाना है इन दोनों साइज में, 39 और 40 में, जिसके आपको मैं कटिंग सिखा रहा हूँ। 7.75 पर निशान लगाने के बाद अब इसको आप सीधे फुट्टे की मदद से इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर आपको 10 इंच यानी कि 40 साइज का निशान लगा लेना है, जिसका 1/4 10 होता है, ठीक है, इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे,
बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे पहले दिखाया गया था आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमने आपको बताया था इसे हम फ्रंट कहते हैं, इसे हम 6.25 ही रखेंगे, फ्रंट कम नहीं होगा, 6.25 इंच हम रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है आपके तीरे की, तो तीरा हमारा 14.5 है, तो 14.5 का आधा, तो कैसे किसी को अगर नहीं आता करना तो इन चीटे को 14.5 पे ऐसे मिलाना है और इसको ऐसे लेके आना है। तो यहाँ पे जो नाप बनेगा वो बनेगा 7.25, तो आपको 7.25 ऐसे रखना है निशान पे, और इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे दोस्तों निशान लगा लेना है, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका होता है, इस तरीके से आपको जितना भी तीरा हो नापोगे आप, ठीक है, इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पे रख देना है। लेकिन अगर आपका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये तो आपका इतना ही रखना है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से के अंदर आपको क्या करना है, तीरा आपका 14.5 उसमें प्लस आधा करा 15 हो गया, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 आपको इस जगह पर ये जो निशान लगा है यहाँ से आपको 7.5 ऐसे रखना है, क्योंकि इसमें एक पैर का बाजू का मार्जिन चले जाएगा, ठीक है। तो तीरा 14.5 तैयार आ जाएगा, तो हम 7.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे। जो भी गले की ब्रॉड है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे 6.25 इंच, ठीक है। 6.25 रखने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर आधा इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम कंधी को करेंगे आधा इंच डाउन इस तरीके से, और इस निशान को नीचे वाले निशान से दोनों को मिलाना है, यहाँ वाले निशान से इन दोनों निशान को मिलाना है। तो पहला निशान हम यहाँ पे लगाते हैं, और लगाने के बाद इसको हल्की सी गोलाई यहाँ पर दोस्तों दे देते हैं, जो अभी मैं फुट्टा हटाऊँगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे वाले निशान तक ऐसे मिलाना है, और निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस तरीके से निशान फ्रंट का दे देना है जिस तरीके से मैंने दिया। अब आपको देखिए दो निशान हमने लगा लिए, एक निशान आपका यहाँ साइड में लगेगा, एक आपका ये जो फ्रंट में गोलाई है इसमें इस तरीके से चले जाएगा, ठीक है। ये हमेशा प्लेट डलेगी, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और दोस्तों मैं कटिंग करूँगा, तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर कटिंग करेंगे सीधा, फिर करेंगे डाउन, डाउन करने के बाद आप इसे ऐसे करके बैक वाले तरफ से कटिंग करना है, कभी भी फ्रंट वाला हिस्सा नहीं छाटना। तो बैक वाले पल्ले को हम आराम आराम से कटिंग करते हुए आएंगे, फिर इसको हम नीचे की तरफ कटिंग करते हुए इसे उतार देंगे। कटिंग हो गई, अब आपको ये वाला हिस्सा जो है इसे भी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों जहाँ जहाँ कट की ज़रूरत है सेम उसी तरीके से कट लगा लें और उसी तरीके से निशान लगा लें कैंची को इस तरीके से करने के बाद, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे करने के बाद ये वाला जो हिस्सा है उसको ऐसे उठाएँ, ऐसे उठाने के बाद इसको रखेंगे इस तरीके से। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हल्की हल्की प्रेस लगानी है जिससे कि आपकी यहाँ पर क्रीज बन जाएगी। प्रेस इस्तेमाल करेंगे तो फिनिशिंग भी आती है कटिंग में, तो मैं आपको राय हमेशा प्रेस की दूंगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो था इसे ऐसे उठाएं और इस जगह पर आराम से इस तरीके से दोस्तों आपको मिलाना है, और कोशिश करें जितना कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए। तो देखिए इतना हिस्सा बच रहा है आपका 0.25, तो इसे ऊपर खिसका लें, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल भी कपड़ा बर्बाद करें, थोड़ा ब्लाउज के अंदर कम कपड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कम कपड़े में निकालने की। तो ये निशान से नीचे वाले निशान तक ये बराबर आपको इस तरीके से बाहर निकाल के रखना है कपड़ा। अब इसको बिल्कुल नीचे तक इक्वल कटिंग हम कर लेंगे, तो ये देखिए दोस्तों इसमें हमने बिल्कुल इक्वल कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे, जो अगर आपकी ये वाली साइड वाली प्लेट डलेगी तो उसमें हमेशा बैक पल्ला आपका आधा इंच इस तरीके से कटेगा, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हमारा कटिंग हो चुका पूरा, अब मैं इसमें सिर्फ बैक पल्ला हटा देता हूँ, फ्रंट वाला जो पल्ला है वो पल्ले को हम लेंगे और इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाया था। तो कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा ये ब्लाउज कटिंग हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको शेप ज़्यादा तिरछी लगे तो आप इसे अच्छी तरीके से शेप और दे सकते हो कैंची से। तो दोस्तों इसमें जो मैं आपको कटिंग अब दिखाई है, बैक गला 0 से 4.5, दोबारा बोल रहा हूँ, बोट नेक हो या कॉलर नेक हो, ये तीनों में ये वाली कटिंग चलेगी, ठीक है। उसके बाद अपनी बाजू वगैरह सेम उसी तरीके से कटिंग कर लें। और अब आपको जो बताने वाला हूँ उस चीज़ को ध्यान दें, वो है आपका बोट नेक का। ये तो हमने आपको इसका बता दिया, अब बोट नेक आपको इस साइज में कितना रख लें जो कि कंफर्टेबल रहेगा। तो यहाँ से आपको 5 इंच की लंबाई लेनी है, ये बुकरम पर निशान लगाना है, ये मैं कपड़े पर आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको 5 इंच की ऐसे लंबाई मतलब निशान लगाना है, लंबाई में आपको 3.5 इंच रखना है, और इसको इस तरीके से दोस्तों निशान लगाते बोट नेक की शेप दे देनी है।
तो यहाँ पर आपका बुकरम पे बोर्ड ना किस तरीके से हो जाएगा, तो आप उसे कटिंग करके इसमें आराम से पलट लें, ठीक है। अच्छी सेव दे दें, थोड़ा कपड़ा है तो मैं सही से सेव नहीं लगा पाया हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपके तीनों में सेम कटिंग होगी, चाहे आपका बोट नेक हो, कॉलर नेक हो, या 0 से 4.5 इंच तक का गला हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।